हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज़। आज है 4th of December। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव। आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन क्रेडिट पहल के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर मोदी एट COP28। सेकंड, दिस कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। आपको बताना है इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव को COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। द ग्रीन क्रेडिट्स इनिशिएटिव हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द पीएम मोदी एट COP28 ड्यूरिंग हिज 2-डे विजिट टू यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जिसका आयोजन किया जा रहा है UAE में। सो द इनिशिएटिव्स एम टू इनकरेज द प्लांटेशंस एंड दिस कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव इज बेस्ड ऑन द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन नवम्बर। इन इट्स इनिशियल फेज द प्रोग्राम विल फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड एफॉरेस्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Name the country's tennis team that has recently won the Davis Cup 2023 by defeating Australia. आपसे पूछा जा रहा है उस देश की टेनिस टीम का नाम बताइए जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर डेविस कप 2023 जीता है। आपके ऑप्शंस हैं सर्बिया, स्पेन, कैनेडा या फिर इटली, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। डेविस कप 2023 जीता है इटली ने और फाइनल्स में हराया है ऑस्ट्रेलिया को, आप यहाँ देख सकते हैं। ऑन 26 नवंबर 2023 इटालियन टेनिस टीम वन डेविस कप 2023 बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम इन फाइनल्स, जिसका आयोजन किया गया था स्पेन में। सो दिस मार्क्स इटली सेकेंड डेविस कप टाइटल। प्रीवियसली इटली ने जीता था ये टाइटल 1976 में, और इस वर्ष डेविस कप का आयोजन किया गया था, जो 2023 का ये 111th एडिशन है इस टूर्नामेंट का। फर्स्ट टाइम डेविस कप का आयोजन किया गया था 1900 में, एंड द टूर्नामेंट वॉज ओरिजिनली नोन एज द इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज, एंड द इवेंट वॉज नेम्ड डेविस कप आफ्टर ड्वेट डेविस ट्रॉफी विच वॉज डिजाइंड बाई विलियम डुर्जेन एंड क्राफ्टेड बाई रोनाल्ड रोड्स। तो आप ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआत 1900 से हुई है, और इस वर्ष जो आयोजित हुआ वो 111th एडिशन है डेविस कप का, और इसमें विजेता इटली रहा है और रनर अप टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया हैज बीन रैंक्ड ऑन विच प्लेस इन द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में जारी हुई विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। आपके ऑप्शन हैं 49th, 59th, 69th या फिर 39th, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया की रैंक रही है वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में 49th, आप यहाँ देख सकते हैं। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसको IMD कहते हैं, हैज़ रिलीज्ड इट्स 2023 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, एंड एज पर द रैंकिंग इंडिया हैज़ बीन केप्ट ऑन 49th स्पॉट अमंग 64 इकोनॉमीज। इंडिया ने कुछ क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट्स दिखाए हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी नॉलेज, पर जहाँ पर इम्प्रूवमेंट कम देखी गई है वो है टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। The United States remained on the top spot in the ranking and it solidified its position as digital nation. तो आप ध्यान रखेंगे भारत की रैंकिंग 49th है और फर्स्ट प्लेस पर यूनाइटेड स्टेट्स है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट इज द थीम ऑफ विच ऑफ दीज।
आपसे पूछा जा रहा है, स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास, इनमें से जो निम्नलिखित इवेंट्स दिए गए हैं इनमें से ये किसका विषय है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल डे, नेशनल वाटर डे, इन्वायरमेंट डे या फिर वाटर कंजर्वेशन वीक। आपको बताना है ये जो थीम है ये इनमें से किससे संबंधित है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2023 का थीम रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट। आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 2nd of December। और इस वर्ष की थीम देखी आपने, थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट। सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन द मेमोरी ऑफ दोज हुज लॉस्ट देयर लाइफ्स इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट टुक प्लेस ऑन December 2 and 3। सो इन दैट इंसिडेंट अराउंड 45 टन्स ऑफ मिथिल आइसोसाइनाइट लीक्ड फ्रॉम एन इंसेक्टिसाइड प्लांट इन भोपाल किलिंग थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। तो उनकी मेमोरी में ये नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे सेलिब्रेट किया जाता है 2nd of December को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3000 करोड़। आपसे पूछा जा रहा है, रक्षा मंत्रालय ने अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट और अन्य उपकरणों के लिए किस संगठन के साथ लगभग 3000 करोड़ का अनुबंध किया है? आपके ऑप्शन से DRDO, भेल, LNT या फिर BEL। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय और BHEL के मध्य। आप यहाँ देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट अलॉन्ग विद एसोसिएटेड इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज फॉर इंडियन नेवी अंडर बाई कैटेगरी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2956.89 करोड़। अप्रॉक्स इसको 3000 करोड़ कह सकते हैं। सो द अपग्रेडेड SRGM which will be the manufactured by Vail is a medium caliber anti-missile and anti-aircraft point defense weapon system which provides a sustained rate of fire and high accuracy। तो आप ध्यान रखेंगे ये समझौता डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के मध्य हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ 8 core sectors। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने 8 core sector का हिस्सा हैं? आपके ऑप्शंस हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या फिर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। आपको बताना है इन सेक्टर्स में से 8 core sector में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये चारों ही 8 core sectors का हिस्सा हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 8 core sectors में जो शामिल हैं वो हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑफ द विटेज आइटम्स इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिस मेक्स अप 40.27%। 8 core sectors सेक्टर इंडस्ट्रीज आर लिस्टेड इन डिक्रीजिंग वेट ऑर्डर एज फॉलोज। तो अगर इनकी हम वेटेज के हिसाब से बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले है रिफाइनरी, देन एनर्जी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।